हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बावरी दुनिया में स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल रात से मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रखा है और कल रात से बारिश रुकी नहीं। पूरी रात तो बारिश काफ़ी होती रही और अभी सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं। तो वैसे तो मैं अक्सर बारिश में नहाती हूँ पर आज मैं नहीं नहा पाई हूँ क्योंकि मैं काम में बिजी थी और भीग जाती तो मैं काम ना कर पाती, इसलिए मैंने बारिश को एक दिन सोचा अपना काम फिनिश कर लूँ। फिर बारिश का तो सीज़न आ गया है तो नहाती रहूँगी। और ऐसे मौसम में मुझे गंगा जी जाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो आज तो नहीं गई हूँ लेकिन अगर मैं गंगा जी गई तो आप लोगों को भी वहाँ का व्यू ज़रूर दिखलाऊँगी। और मेरी बेटियों को भी डिमांड आ रही है कि माँ ऐसे में गंगा जी चलिए, गंगा बैराज चलिए, उनको ऐसे में घूमने का बहुत आनंद आता है। और आप लोग भी ऐसे समय में जाइए, गंगा जी का जो आप लोगों को इस समय स्वरूप देखने को मिलेगा, एक बहुत बहुत बड़ा विस्तार रूप उनका देखने को मिलेगा। उनकी जो लहरें होती हैं अप्स होती हुई, जो भंवर बनते हैं, भरपूर बनते हैं, वो आप देख पाएंगे। और कुछ लोकल लोग वहाँ पर जो नहाते हैं और जो वहाँ के बच्चे होते हैं जो पैसे बीनते हैं, वो उसमें किस तरह से डीपली अंदर तक पैसे ढूंढने के लिए जाते हैं। और उनको देख तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये बच्चे ऊपर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और जो बहुत दूर दूर से बाढ़ में बहकर आते हैं, पेड़ पौधे पत्ते और कुछ अजीब तरह की चीज़ें भी, जैसे किसी की बॉडी तक आती है, किसी जानवर की, किसी छोटे बहुत अजीब अजीब तरह के पेड़ लाइक डॉग की, तो नाम नहीं लेना चाहती थी पर ले रही हूँ, तो वो देखकर मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। लेकिन इस समय में गंगा जी का एक जो विस्तार रूप होता है वो देखने में बहुत ही आनंद आता है। और ऐसे आप फील कर पाओगे कि आप सचमुच स्वर्ग में हो, कि इतना आनंद आता है। वो जो लहरें ऊंची नीची उठती हैं और वो गंगा जी को देख कर, हमेशा इस समय गंगा जी साफ़ हो जाती है और वो गंगा जी देख कर मेरे मन में हमेशा ये विचार आता है कि इस गंगा जी में लाखों करोड़ों लोग आकर अक्सर समा जाते हैं अपने जीवन की अंतिम यात्रा में, और ये गंगा जी ऐसे ही अविरल बहती रहती हैं और कितनी शांति के साथ अविरल बहती रहती हैं और लोगों में किस शांति पूर्वक के साथ अपने में समाहित कर लेती हैं। तो ऐसे में आप लोग भी अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ गंगा जी की एक दिन आउटिंग पर ज़रूर जाइए। और वहाँ पर हो सके तो जो भुट्टे होते हैं आप लोग जानते होंगे, मुझे उसका इंग्लिश में अभी नाम नहीं आ रहा है, तो स्वीट कॉर्न आई थिंक बोलते हैं, है तो हो सके तो आप लोग वो खाइए गरम गरम। वहाँ पर जो ठेले वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो पूछते हैं, तो बहुत ही आप लोग इन्जॉय करोगे ऐसे मौसम को, क्योंकि हर मौसम को इन्जॉय करना चाहिए। तो आप लोग भी बारिश को भरपूर इन्जॉय करिए और मैं भी अब जा रही हूँ अपने छत पर बैठकर गरम गरम चाय पीऊँगी और पेड़ों को देखूँगी और हल्की हल्की जो बूंदें पड़ रही हैं उसमें भीग कर चाय का आनंद उठाऊँगी। ओके बाय। और देखिए मेरी बेटी आ गई है। हेलो। ये मेरी छुटकी, मेरी जान है ये। और इसका स्कूल खोल, स्कूल खोल, 5 रुपये से कुछ ले आओ। देखिए क्या बोली, 5 रुपये से इनको क्या आएगा आपको पता है? इनके कुरकुरे या इनके चिप्स। और कल रात में इन्होंने बहुत सारे इन्होंने रोल खाए हैं और मैंने दही वाले खस्ते खाए हैं। तो बाय बोलो बेटा। बाय बाय। ओके बाय। स्वस्थ रहिए एंड मस्त।